नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं प्रिंट मेकिंग वाला कुशन। आज आपको हम बताएंगे प्रिंट मेकिंग के जरिए खूबसूरत कुशन कैसे बनाएंगे। इसके लिए सामग्री लगेगी, यह मोटा कपड़ा, आधा मीटर कपड़ा, सिंथेटिक रुई एक पाव और फैब्रिक वाला पेंट कलर और दो चार आलू प्याज लेंगे। तो इस प्रिंट मेकिंग को हम कैसे बनाएंगे, देखिए, इसे हम 12वीं क्लास में सीखे थे। वैसे तो हम प्राइवेट 12वीं के एग्जाम दिए थे, लेकिन उसमें हमारा एक सब्जेक्ट यह भी था। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले कपड़े की नाप लेके कटिंग करेंगे। 16 इंच लंबाई और 16 इंच चौड़ाई में नाप कर कपड़ा काटेंगे। उसके ऊपर यह प्रिंट बनाएंगे। आलू और प्याज में डिजाइन बनाएंगे और चाकू से डिजाइन को उभारेंगे। उसके बाद कलर के जरिए इसमें प्रिंट बनाएंगे। प्रिंट हमारा इस प्रकार का प्रिंट लेंगे, आकार में इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। चलिए देखिए, आलू को पहले दो पीस कर लेंगे। दो पीस करने के बाद इस प्रकार से सारे डिजाइन को उभारेंगे। इसके लिए धारदार पर चाकू लेंगे और इस आकार में आलू में डिजाइन उभारेंगे। चाकू थोड़ी धार वाली लेंगे ताकि सही आकार बनेगा। अब इसमें कलर करके प्रिंट बनाएंगे। इस प्रकार सारे डिजाइन को बनाएंगे। इसमें भी एक डिजाइन उभारेंगे। कलर में यह फैब्रिक कलर है, इसमें मीडियम मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार कलर पूरा कर लेंगे। यह फैब्रिक कलर है, साइड में नहीं होना चाहिए। उसको साइड में अगर जरा सा भी लगता है तो उसको मिटा देंगे। जिस डिजाइन को उभारे हैं सिर्फ उसी में हमें दिखाना है। और इस प्रकार देखिए, थोड़ा सा इसमें दबाव डालेंगे। अब इसको उठाएंगे। देखिए हमारा एक प्रिंट बन चुका है। बनाएंगे दूसरे कलर से, येलो या लाइट ग्रीन येलो से एक और बनाएंगे। इसी प्रकार सारे डिजाइन आलू से ही बनाना है। अच्छी तरह से इसको उभार लेना है। इसी प्रकार पत्तियां, डंडी सब कुछ आलू से ही बनाना है। अब इसके लिए दूसरा कलर लेंगे, इस पे येलो करेंगे। देखिए इसमें कई प्रकार के डिजाइन इस आलू से ही बनाते हैं। कई डिजाइन में साइड साइड का पूरा आलू कट करके अलग करना पड़ता है, पर इस वाले डिजाइन में साइड में कलर नहीं करेंगे। वो कट करके अलग करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई डिजाइन में साइड का पूरा कट करके अलग करते हैं। इसी प्रकार प्याज से भी अलग अलग डिजाइन प्याज से भी बनाते हैं, पर इस बार अभी हम प्याज से नहीं बनाएंगे।
यह जो डंडी बनी है इसको बर्ड से बनाएंगे, इससे कलर करके इस डंडी को बना देंगे। कलर ध्यान से करना है, साइड में नहीं लगना चाहिए। इस कलर में मीडियम मिलाए हैं, मीडियम मिला देने से धोने के बाद भी कलर नहीं जाता है। जब भी कुसर को धोएंगे उसका कलर ज्यों का त्यों रहेगा, कलर नहीं जाएगा। आप लोग प्याज से भी मनचाहा डिजाइन उसमें कई प्रकार का बना सकते हैं, आलू से भी कई प्रकार की फूल पत्तियां बना सकते हैं। देखिए अब इसको जरा सा प्रेशर डाल के दबाएंगे। देखिए अब इसकी बर्ड से दूसरे कलर से इस कलर से इसकी डंडी बनाएंगे, जैसे इसका बना है इसी प्रकार बर्ड से ही इसकी डंडी बनाएंगे। ये बर्ड से इसकी डंडी इस प्रकार बनाएंगे। आलू में कई प्रकार की डिजाइन उभार सकते हैं और कई प्रकार की फूल पत्ती डिजाइन उकेर करके यह कुसुम को बना सकते हैं। देखिए यह ब्लॉक प्रिंट बन चुका है। यदि बड़ा डिजाइन बनाना है, बड़ा डिजाइन उकेरने के लिए बड़ा साइज का आलू लेंगे, गोल आकार में बड़ा साइज का आलू, तभी ऐसा डिजाइन उकेर पाएंगे। यह इस फैब्रिक कलर में सिर्फ पानी मिलाना है और कुछ नहीं मिलाएंगे। इस प्रकार है कुसन जल्दी बनेंगे और कम लागत में बन जाएंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए मशीन में भी सिल सकते हैं, हाथ से भी यह जींस वाला धागा लेकर के हाथ की सिलाई भी कर सकते हैं या मशीन में भी सिल सकते हैं। जैसा कि यह 16-16 लिए थे, इधर से 16-16, तो ये 16-16 इंच लंबाई में और चौड़ाई में कपड़ा काट लिए हैं। देखिए इस प्रकार लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से 16-16 इंच का कपड़ा काटे हैं और इसे पीछे उल्टा करके इसको डिजाइन को पलट के सिलाई इसकी मशीन से या हाथ से जींस वाले धागे से करेंगे। उसके बाद सिंथेटिक रुई भरना है। देखिए यह पूरा कुसन का ब्लॉक प्रिंट बन गया है। ये सिंथेटिक रुई है, 1 पाव है। अब इस रुई को इसमें भरेंगे। 3 तरफ की पत्ती सिलाई हो गई है। अब इसको भरने के बाद बराबर से फैला देंगे अंदर में और इधर की पत्ती सिलाई करेंगे। देखिए आलू से जैसे यह बनाए हैं पेड़ पौधा फूल पत्ती, उसी प्रकार इसमें चिड़िया तितली का आकार उभार करके भी ब्लॉक प्रिंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे चिड़िया बना लिए, तितली बना लिए, उससे भी ब्लॉक प्रिंट बना सकते हैं। देखिए यह कुसन बन चुका है। यहाँ पे सिलाई के बजाय चैन भी लगा सकते हैं। चैन लगाने से जब भी धोना हो रुई बाहर निकाल करके धो सकते हैं। यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार चैन भी लगा सकते हैं। यह कुसन बहुत जल्दी बनता है, तो आप भी बनाइए यह कुसन। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।